दिन है शुक्रवार और रात के करीब 9 बजने वाले हैं और ये तस्वीर है रांची की रजिस्ट्री ऑफिस की। आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये मुख्य दरवाजे की तरफ हम अभी जा रहे हैं। मुख्य दरवाजे की तरफ हम जाएंगे, ये देखिए यहाँ ताला बंद है। दरअसल ये ताला इसलिए बंद है क्योंकि शाम के वक्त जो है सारे सरकारी दफ्तरों में छुट्टी हो जाती है, तो यहाँ भी छुट्टी हो गई है। लेकिन कहानी इससे इतर है। रजिस्ट्री ऑफिस में लाइट अंदर जल रहा है, इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्री ऑफिस के भीतर कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमने देखा कि किस तरह से ताला बंद है। इसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए हम ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, पीछे की तरफ हम आए हैं अभी और यहाँ पर ये खिड़की देख रहे हैं। इस खिड़की के बाद दूसरी खिड़की में भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ झारखंड दस्तावेज नवीन संघ लिखा हुआ, यानी ये रजिस्ट्री ऑफिस है, ये कन्फर्म हो गया। और इस खिड़की से जब हम अपने कैमरे को धीरे से और करीब लेकर जाते हैं तो ये तस्वीर आपको दिख जाएगी, जहाँ पर आपको दिखेगा कि बाहर से जिस रजिस्ट्री ऑफिस में ताला बंद है उसी के भीतर कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं। सामने एक अधिकारी बैठा हुआ है जिससे जो खड़े अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो अधिकारी सामने बैठा हुआ है वो रजिस्ट्री ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी है और जो लोग खड़े होकर पूछताछ कर रहे हैं वो अधिकारी हैं। ये अधिकारी कौन है ये भी जान लीजिए। ये ईडी की छापेमारी चल रही है रजिस्ट्री ऑफिस में। जी हाँ, आपने सही सुना, रांची के रजिस्ट्री ऑफिस में रात के 9 बजे के करीब ईडी की टीम पहुंची है और अभी अंदर जो है सभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को समन दिया गया था। उन्हें शुक्रवार को ही बुलाया गया था, लेकिन उनके वकील ने समय मांगा था 2 हफ्ते का, जिसे ईडी ने नकार दिया और शुक्रवार को शाम 4 बजे उन्हें फिर से दोबारा आने का समन दिया गया। वो हाजिर नहीं हुए। उसके बाद से ये कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये रांची रजिस्ट्री ऑफिस है और उस ऑफिस के भीतर अभी ईडी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और लगातार जो है दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। ईडी ने इससे पहले सेना से जुड़े हुए जमीन में घपलेबाजी के मामले को लेकर 7 लोगों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ के आधार पर रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को समन किया गया। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वो पहुंचे नहीं। उसके बाद फिर से दोबारा उन्हें समन किया गया और शुक्रवार के शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया कि आप 4 बजे आइए, आपसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन छवि रंजन के जो वकील थे उन्होंने कहा कि फिलहाल जो है वो आउट ऑफ स्टेट हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आपकी रांची के कचहरी इलाके की तस्वीर है। ये देखिए, ये सड़क है और इसी सड़क के ठीक सामने ये आप देख रहे हैं कि रांची का जो निबंधन कार्यालय है वो है और इसी दरवाजे से भीतर जो है लोग भी गया था अभी गाड़ी वाड़ी से जाते हुए दिखा था। तो रांची में फिलहाल जो है ईडी की टीम पहुंची हुई है। ईडी की टीम रांची के रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंची हुई है।